जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों इस साल 2022 में वेटिंग टिकट और वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या नए रूल आए हैं, क्या क्या नए नियम हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलता है। जैसे ही उनके पास वेटिंग टिकट आता है या फिर वेटिंग टिकट वाला PNR आता है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है, वेटिंग टिकट कन्फर्म कैसे होगा, वेटिंग टिकट पे सीट मिली है या नहीं ये कैसे पता करें, अगर वेटिंग टिकट कन्फर्म हो गई है तो उसके बाद क्या करें, वेटिंग टिकट पर यात्रा का रूल क्या है और क्या वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं इस समय कोविड की थर्ड वेव के बाद में, क्या है नए नियम, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल होते हैं। और एक बेसिक सवाल होता है कि अगर वेटिंग टिकट है तो उसको कैंसिल करने पर कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। आज आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। 2022 में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का क्या क्या असर होगा आप पर, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी होगी। अगर आप फ्यूचर में RAC से जुड़े हुए इसी प्रकार के सवालों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जिन सवालों से रूबरू कराया था उन सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल आता है कि क्या वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। देखिए, दो टाइप के वेटिंग टिकट होते हैं, एक विंडो वाला जो आप रिजर्वेशन काउंटर से लेते हो, दूसरा टिकट होता है जो आप ऑनलाइन बुक करते हो IRCTC की वेबसाइट पर। अधिकतर लोग अपना टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या बुक करवाते हैं। वेटिंग टिकट अगर आपका ऑनलाइन वाला है और वो कन्फर्म नहीं हुआ है, ट्रेन का चार्ट बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले वेटिंग टिकट पर जब टिकट वेटिंग रह जाता है चार्ट बनने के बाद, तो उसका पैसा रिफंड हो जाता है रेलवे द्वारा। तो वो अगर आप टिकट लेकर जाएंगे तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और आपसे पेनल्टी वसूली जाएगी दुगनी, यानी कि जितने का किराया होगा उससे जस्ट डबल आपको देना पड़ेगा। ये तो हो गया अगर आपने ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट लिया था। दोस्तों, अगर आपके पास ऑफलाइन वाला वेटिंग टिकट है, यानी कि रिजर्वेशन काउंटर से लिया हुआ टिकट, तो क्या आप यात्रा कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के नियमों में ये नहीं है कि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करें। अगर आप पकड़े गए तो हो सकता है आपसे जुर्माना लिया जाए, लेकिन आप यात्रा कर पाएंगे ये चीज़ आप मान के चलिए। फिलहाल दोस्तों, बहुत से लोग काउंटर वाला टिकट लेकर यात्रा कर भी रहे हैं। अगर आपने हाल ही में काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर यात्रा की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि वेटिंग टिकट कन्फर्म कब होता है और कैसे होता है। वेटिंग टिकट कन्फर्म तब होता है जब ट्रेन में कुछ ना कुछ गुंजाइश हो। अगर आपका वेटिंग टिकट 400 के आसपास है तो आप भूल जाइए, टिकट कन्फर्म होगा। अगर आप HO लगवाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका टिकट 50 वेटिंग है या 60 वेटिंग है और ट्रेन चलने वाली है या एक दो दिन का समय है, तो हो सकता है कि चार्टिंग के टाइम तक आपका टिकट RAC में पहुंच जाए। जब तक आपके टिकट का एक्चुअल स्टेटस नहीं पता होगा, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता टिकट कन्फर्म होगा या नहीं होगा। अगर आप अपने वेटिंग टिकट से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट चाहते हैं कि मेरा टिकट कन्फर्म होगा या नहीं होगा, तो ट्रेन चलने के दो दिन पहले अगर आप ये चीज़ कमेंट करके पूछते हैं कि मेरी ट्रेन चलने वाली है और मेरा करंट स्टेटस ये है और मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, किस कोटे का आपका टिकट है, यानी कि रिमोट वेटिंग लिस्ट है, जनरल वेटिंग लिस्ट है या फिर पोल कोटा वेटिंग लिस्ट है, ये सब डिटेल्स अगर आप देते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये बताने में कि आपका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं होगा। अगर आपने पहले से ही वेटिंग टिकट लिया हुआ है जिसका वेटिंग 150 या 100 के आसपास है और 2-3-4 महीने का समय है, तो वो टिकट धीरे धीरे करके कन्फर्म हो ही जाता है, लास्ट मोमेंट तक वो टिकट RAC तो पहुँच ही जाएगा। फिलहाल ये पूरा कैलकुलेशन का गेम होता है कि टिकट कैसे कन्फर्म होगा और कब होगा, और चार्ट बनने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं, तो आपको PNR स्टेटस पर जाना होगा रेलवे के, और वहाँ पर आपको अपना PNR डालने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल आता है कि ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट था या फिर ऑफलाइन वाला वेटिंग टिकट था और टिकट कैंसिल कराने पर अब कितना पैसा मिलेगा। दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं।
अगर आपका स्लीपर का टिकट था तो अलग चार्जेस होंगे, एसी का टिकट था तो अलग चार्जेस होंगे, ऑनलाइन वाले में अलग चार्जेस होते हैं या फिर हम कह लीजिए थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जिस भी ऐप के थ्रू आप पैसा कटवा रहे होंगे वो भी कुछ चार्जेस पहले से ही ले लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 10 से 20 रुपए का अंतर आता है। मैं इस टॉपिक पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चार्जेस होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले वेटिंग टिकट्स को कैंसिल करने पर। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर जो टिकट बुकिंग से संबंधित होता है कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाया जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।